सावन महीने का पहला दिन है आज। देवघर में कोरोना को देखते हुए आम लोगों के लिए बाबा मंदिर में प्रवेश पर पाबंदी है। इसकी वजह से आम लोग भोले बाबा पर जलार्पण नहीं कर पाए, लेकिन पुरोहित समाज ने जलार्पण के साथ ही पूजा भी किया। जायजा लिया हमारे सहयोगी मनीष ने। आज रविवार, आज पहला दिन है और इस वक्त हम लोग बाबा मंदिर में हैं। आप देखिए, आमतौर पर ये जो जगह होता है काफ़ी गहमागहमी होता है, मेला जैसा रहता है, लेकिन इस बार भी यहाँ सन्नाटा ज़रूर पसरा हुआ है। पूजा पाठ करके आ रहे हैं लोग, बाहर अंदर से बाहर आ रहे हैं सभी पुरोहित समाज, जिन्हें मिला है कि आप पूजा करके जा सकते हैं, पूजा करने जा सकते हैं। बहुत ज़रूरी है यही हाहाकार महामारी में आदमी बचने का उपाय नहीं करे, मगर जन जीवन भी जरूरी है, जीविका भी जरूरी है, इसको सरकार कुछ इसके लिए विकल्प सोचना चाहिए। लेकिन बचने के लिए जरूरी है, बचने के लिए तो एकदम अनिवार्य है ये, किंतु रोजगार और जीविका के लिए भी कुछ सोचना होगा सरकार को। कोरोना ऐसी महामारी से भी बचाव की जरूरी है और जीविका तो जरूर है। सरकार ने कदम उठाए हैं और थोड़ा उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि बाबा वैद्यनाथ ही हमारे यहाँ के कारखाना है। इस पर सब गरीब गुरुआ जितना फूल वाला है, सरकार ने कोरोना के चलते उठाया, ठीक है वो है, लेकिन उसका विकल्प भी सोचना चाहिए। उन पर संकट आ चुका है, क्योंकि दूसरा साल चल रहा है, एक साल तो किसी तरह का समय काटा और लोगों को दूसरा साल काटना बड़ी मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। जीवन जीविका दोनों जरूरी है, जीविका पर भी ध्यान देना चाहिए, यही मुख्यमंत्री से निवेदन है, प्रार्थना है। अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से मंदिर पर ही बना हुआ है और ये जरूरी है कि इस पर सरकार से अपील कर रहे हैं। फिलहाल हम जाना चाहेंगे कि आप सब लोगों को क्या आपका मना कर रहे हैं, क्या कुछ जो इंस्ट्रक्शन मिला? हम लोग कोरोना काल को देखते हुए जो भी श्रद्धालु आते हैं बाहर से, जिसको जानकारी नहीं है, उसको हाथ जोड़ करके विनती करके कि आप लोग घर में रहिए, घर से ही लाइव दर्शन कीजिए। सावन इस बार नहीं लग रहा है, इसलिए आप लोग नहीं आइए। बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकार ने जो निर्देश दिया है यही है कि इस बार भी श्रावणी मेला आयोजन नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो पुरोहित समाज है उन्हें अलाउ है कि वो जाकर के पूजा करेंगे। जो परंपरा है उसका विधि पूर्वक निर्वाह किया जा रहा है और जो यहाँ तैनात है पूरी व्यवस्था जो भी है, तो जो लोग भूले भटके आते हैं उसे यही कहते हैं कि अगर आप पहुँच गए हैं तो यहीं से आशीर्वाद लेकर बाबा को प्रणाम करके आप घर लौट जाए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मनीष राज, नई भारत के लिए देव। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 11 भारत।